खजाने में जो मैंने पाई है बाबा साहब के सामने सर झुकाने में। नमन करता हूं विश्वभूति को, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, और बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और सभी मेरे साथ आगाज करेंगे जय भीम। देखिए मैं अकेला हूं फिर भी इतनी आवाज है, मशीनों से ऊपर स्पीकर से ऊपर आप लोगों की आवाज आनी चाहिए, बहुत सारे लोग हैं आज दीवाने बैठे हैं, तो सभी एक साथ आवाज दिल से आनी चाहिए, तो सभी दिल से आवाज लगाएंगे और कहेंगे जय भीम, जय भीम, पीछे वाले जय भीम। ये बात लगना चाहिए कि हम बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन यहां मना रहे हैं और यहां सभी भीम दीवाने बैठे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान नहीं लिखा था तो हमारे पास कुछ नहीं था, और जब बाबा साहब ने संविधान लिख के इस देश में दिया और जब लागू हुआ तो उन तीन महत्वपूर्ण चीजें जिनकी वजह से आज हम यहां खड़े हैं, पहला नोट, जो नोट आप सभी की जेबों में है, हमारी जेबों में है, नोट बाबा साहब की वजह से हमारी जेबों में आए। दूसरा वो वोट की ताकत, जिस वोट की ताकत से आप सभी ने एक चाय बनाने वाले लड़के के जिनको आज भारत का प्रधानमंत्री बनाया है वो आपकी वोट की ताकत से बना है। तो बाबा साहब ने आप सभी को वोट का अधिकार दिया। उसके बाद पैंट कोट जो आज हमारे शरीर पे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र आपने पहने हैं, मैंने पहने हैं, तो वो बाबा साहब की मेहरबानी है, क्योंकि पीने को कभी पानी भी ना था, आज घर घर में एक्वा गार्ड का पानी है। ये पीने को कभी पानी भी ना था, आज घर घर में एक्वा गार्ड का पानी है, और रहने को कभी कोई घर भी ना था, आज महलों में जिंदगानी है। और ये कोई चमत्कार नहीं किसी भी देवी देवता का, ये तो मेरे बाप और आप सभी के बाप बाबा साहब अंबेडकर की मेहरबानी से है, अगर वो ना होते तो आज हमें कुछ भी ना मिलता। तो आज सभी बाबा साहब के इतिहास, क्योंकि जो ये महापुरुष हैं उनकी जीवन पे भी एक कवाली है, उन्होंने कैसे यहां तक हमें पहुंचाया, उस जीवन संघर्ष को हमें जानना है और आगे बढ़ना है। तो आप सभी लोग तैयार हैं कवाली के साथ में, तो दोनों हाथों से तालियों के साथ भी आप लोग बजाएंगे और साथ में गाएंगे, क्योंकि तालियों के बिना कवाली अधूरी रहती है। तो कहता है सुनेंगे, व्यवस्था बनाए रखिए, इधर उधर ना घूमे, क्योंकि एक महापुरुष का जन्मदिन हम मना रहे हैं, उनके जीवन के बारे में सबको पता होना चाहिए, और जाके बताइएगा।
जुल्मों से तम ढाने वालों के, जुल्मों से तम ढाने वालों के चेहरे पड़ गए काले, जुल्मों से तम ढाने वालों के चेहरे पड़ गए काले, जब आए शोश तो भाई शोषितों के रखवाले आए हैं तो ऐसे स्वागत करेंगे। जब आए शोषितों के बाजों का दम जिस दिन में है
दोनों हाथ खड़े करके, बाबा साहब ने देने में कंजूसी नहीं करी आपको, तो तालियों में क्यों कंजूसी कर रहे हैं सम्मान में? जब आए शोषितों के चेहरे भी काले पड़ गए, क्योंकि आज अगर आपको कोई जुल्म करता है तो बाबा साहब ने वो ताकत दी है आप लोगों को। तो बाबा साहब आप लोगों के बीच में भी आते हैं मसीहा बन के, पर लोगों का यहां पे जोश कम दिख रहा है मुझे। जोश कम क्यों है? जिसको पूरी दुनिया मानती है, आप लोगों का जोश कम दिख रहा है। दोनों हाथ सीधे खड़े, कौन कौन बाबा साहब को मानता है भाई, और उनके विचारों पे भी चलना है। किस किस को चलना है, किस किस को चलना है? सभी को। तो थालियों के साथ, जब आए शोषितों के रखवाली, अगर कुछ समझ आया हो, पसंद आया हो, तो सभी एक साथ जय भीम।